अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ इथाइलीन इन फ्लावरिंग। तो इथाइलीन हार्मोन मोस्ट प्लांट स्पीशीज में फ्लावरिंग को इनहिबिट करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं सच एज पाइनएप्पल्स एंड मैंगोज जिसमें इथाइलीन हार्मोन फ्लावरिंग को प्रमोट करती है, स्टिमुलेट करती हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्यों इथाइलीन हार्मोन फ्लावरिंग को इनहिबिट करती हैं। प्रीवियस वीडियोस में मैं कई बार बता चुका हूँ कि इथाइलीन की बायोसिंथेसिस स्ट्रेस कंडीशन में इंक्रीज हो जाती हैं। तो जब प्लांट्स पर स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है तो उस दौरान इथाइलीन की बायोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है और इथाइलीन पीरा फ्लावरिंग को इनहिबिट कर लेती हैं। इथाइलीन क्यों फ्लावरिंग को इनहिबिट करती हैं? प्लांट्स फ्लावर फॉर्मेशन में एनर्जी और बाकी रिसोर्सेज को यूज करती हैं। प्लांट्स फ्लावर फॉर्मेशन में एनर्जी और बाकी रिसोर्सेज को यूज करती हैं। तो इथाइलीन ये नहीं चाहती कि प्लांट स्ट्रेस कंडीशन में एनर्जी और रिसोर्सेज को फ्लावर फॉर्मेशन में यूज करें, बल्कि इथाइलीन ये चाहती है कि प्लांट्स उस एनर्जी और रिसोर्सेज को स्ट्रेस कंडीशन में लीव्स और रूट्स में यूज कर सके तो अच्छा होगा, ताकि वो स्ट्रेस कंडीशन का मुकाबला कर सके और स्ट्रेस कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर सके। और दूसरी बात ये है कि स्ट्रेस कंडीशन में जो फ्लावर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, एक तो वो इंतहाई कम तादाद के फ्लावर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, और दूसरी बात ये कि जो फ्लावर प्रोड्यूस हो जाते हैं वो पुअर क्वालिटी के होते हैं। जाहिर सी बात है, स्ट्रेस कंडीशन में वो प्रोड्यूस हो जाते हैं तो पुअर क्वालिटी के ही तो होंगे। तो जब वो पुअर क्वालिटी के होंगे तो उससे जो फ्रूट बनेंगे वो भी पुअर क्वालिटी के होंगे। तो इसलिए स्ट्रेस कंडीशन में इथाइलीन फ्लावरिंग को इनहिबिट करती हैं। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि पाइनएप्पल्स एंड मैंगोज में इथाइलीन क्यों फ्लावरिंग को प्रमोट करती है, स्टिमुलेट करती है? तो यहां पर भी तकरीबन सेम बात है। जब इन प्लांट्स पर स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है, इथाइलीन को थोड़ा सा पता चल जाता है कि स्ट्रेस कंडीशन आ गए हैं, तो वो इन प्लांट्स को सिग्नल देती है कि जल्दी फ्लावर्स को प्रोड्यूस करें, ताकि वो फ्लावर्स फ्रूट्स में डेवलप हो जाए और सेवियर स्ट्रेस कंडीशन आने से पहले ये प्लांट्स अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंप्लीट कर सकें। तो इसलिए इथाइलीन इन प्लांट्स में फ्लावरिंग को क्या करती है, प्रमोट करती है। तो ये था रोल ऑफ इथाइलीन इन फ्लावरिंग। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।